आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। तो जैसा कि याद है, हमने पिछले ब्लॉग में हिंदुस्तान की सबसे मशहूर चीज़ चाय से करी थी, तो इस बार का हम अपना ब्लॉग एक पौष्टिक आहार रखते हैं, प्रोटीन से भरपूर चिली पनीर। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन क्या क्या चीज़ लगेगी। तो आइए, तो दोस्तों ये हैं दो हमने मीडियम साइज शिमला मिर्च ले ली, उन्हें हमें इस तरह का चॉप कर दिया है। और ये 500 ग्राम पनीर, और हमें विनेगर ले लेना है, और हमें इस शेप में एक बिग साइज़ अनियन काटनी है यानी प्याज, और हमें 4 टमाटर ले लेने हैं मीडियम साइज़ के, और हमें टमाटो सॉस की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा कुकिंग ऑयल, ये कॉर्नफ्लोर है, हमें कॉर्नफ्लोर, ये हमारा फूड कलर है, हमें फूड कलर और कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा वाटर का मिक्सचर बनाना है, ये हमारा रेड चिली पाउडर है, और ये हमारा ग्रीन चिली सॉस। तो अब चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों ये आ गई है हमारी कढ़ाई, तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ, जितना मैंने कुकिंग ऑयल दिया था। तो दोस्तों आइए हम इसमें हम अपनी प्याज डाल ले रहे हैं, और उसके बाद हम इसे अच्छे से इसमें तेल में मिक्स कर ले रहे हैं। तो चलिए अब हम गाइस इसमें हम टमाटर डाल ले रहे हैं। गाइस हम अनियन और टमाटर को सही से मिक्स कर ले रहे हैं। तो दो गाइस हम इसे 1 से लेकर 2 मिनट तक ऐसी फ्राई करते रहेंगे, इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इसे कैप्सिकम डाल ले रहे हैं, इसके अंदर कैप्सिकम। तो दोस्तों इसमें हम 1 चम्मच अब नमक डाल ले रहे हैं। दोस्तों हम इसमें 1 चम्मच अपनी रेड चिली पाउडर डाल दे रहे हैं। तो गाइस चलिए इसमें 2 चम्मच हम रेड चिली ग्रीन चिली सॉस डाल दे रहे हैं। तो गाइस अब 2 चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस डाल दे रहे हैं। तो गाइस इसमें हम 1 चम्मच विनेगर डाल दे रहे हैं। अब 2 चम्मच डाल दे रहे हैं, तो ये 2 चम्मच आ गया हमारा। चलिए दोस्तों अब हम एक पनीर अपने बड़ी प्लेट में कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम एक कटोरी भर के कॉर्नफ्लोर डाल दे रहे हैं, ये हमने कॉर्नफ्लोर डाला इसमें। अब हम इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। तो दोस्तों हम इसे अब इस जो हमने मिक्सर डाला था, अपना सामान डाला था, उसे हम सही से पनीर के अंदर मिक्स कर ले रहे हैं। उसके बाद हम इसे कढ़ाई के अंदर डालेंगे पनीर को, जो हमने सामान तैयार करा है कढ़ाई में। तो अब इस पनीर को हम इस कढ़ाई में डाल ले रहे हैं, और इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक ऐसे मिलाते रहेंगे। 1-2 मिनट बाद आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए गैस का। तो दोस्तों इसे अब बढ़िया तरीके से हम कर लेते हैं मिक्स अपने पनीर को, और इसे ऐसे 1-2 मिनट 1/2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए आपका पनीर हो गया तैयार, और फ्लेम ऑफ कर देना है मिक्स करते वक्त। और इस तरह तो अब हमने रेडी हुए पनीर को एक बड़ी सी डिश में कर ले रहे हैं। उसके बाद तो पता ही है क्या करना होता है, उसके बाद इसे खाएंगे हम। दोस्तों हमारा पनीर तो हो चुका है रेडी, अब चलिए इसे चख के देख लेते हैं। बहुत ही शरीर बना है, कसम से बहुत ही बढ़िया। उम्मीद है काश आप भी चख पा दे, दिल तो हो रहा है बहुत चखाने का, लेकिन चखा नहीं पाऊंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या क्या चाहते हैं आप अगला। तो और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो अब वो जाके अब वो ऊपर स्क्रीन पर आती होगी, तो वो देख लीजिएगा लास्ट में। तो बस इतने कहने जाऊँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अलविदा।